सूक्ष्म में ही कर लो, चलो और कुछ नहीं होता है तो। अमृता पिया करो गिलोय, रोज आंवला एलोवेरा पिया करो, किसी दिन गिलोय ना मिले ताजी तो गिलोय की गोली खाया करो। ये अमृता है हाँ, इससे तुम 100 साल तक मरोगे नहीं, वैसे उसके बाद ज्यादा दिन तक जीने की सोचना भी मत, दूसरे भी तो लोग आने हैं धरती पर, थोड़ी तुमने परमानेंट कब्जा करने का सोच रखा है। लंबे लंबे श्वास, ये सूक्ष्म है मैसे, ये सूक्ष्म है भी ठीक से हो जाए ना, और इस बड़ा आनंद आता है आगे पीछे पूरा जाना है। लंबे लंबे श्वास, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ करना, फिर ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम जिसका जितना सामर्थ्य हो उतना कर लेना, और लंबे लंबे श्वास और चेहरा मत बिगाड़ना, कुछ लंबे लंबे सांस लेते हैं ना तो ऐसे क्यों करते हो, पता नहीं कैसे बिगाड़ेंगे, चेहरा आंखें ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं करना, राजी राजी करो, कुछ भस्त्रिका का भी करेंगे कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करना, कितनी जोर से कर लो चाहे कुछ ऐसे करना, ऐसे नहीं किया करो, पूरी बॉडी सेट हो जाती है, बटरफ्लाई बॉडी अपसेट, माइंड अपसेट, नींद भी अपसेट, पेट भी अपसेट, घर भी अपसेट, बिजनेस भी अपसेट, तुम्हारी बॉडी तुम्हारे माइंड तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे एक्शंस अपसेट होंगे तो कैसे सेट होगे तुम लाइफ में, किसी भी जवान से पूछो आज ये लाइफ में बस सेट होना चाहते हैं, और ये सेट होना किसको बोलते हैं, एक बेढंगा सा आदमी एक बेढंगी सी बहन, मैंने ढंग तो है नहीं जीने का, बोले हम दोनों मिल गए हमारी फैमिली सेट हो गया, तुम अपसेट घूम रहे हो, मुन्नु जी मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है मैं सेट हो जाएंगे, हस्बैंड के तो वैसे बैंड बज रहे हैं पहले से ही, तुझे क्या सेट करेगा वो खुद अपसेट है, जिसकी बॉडी जिसका माइंड जिसके थॉट्स जिसके एक्शंस बैलेंस नहीं है सेट नहीं है वो सेट नहीं हो सकता। सूक्ष्म अहम करवा रहे हैं आपसे, लंबे लंबे श्वास, योग से बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस एक्शंस का बैलेंस हो जाता है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है, डीजनरेट हुए सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, प्रसुप्त ज्ञान प्रसुप्त सामर्थ्य जागृत हो जाता है, हम अतिंद्रिय ज्ञान अतिंद्रिय शक्ति अतिंद्रिय शांति अतिंद्रिय सामर्थ्य से जुड़ जाते हैं, सारी दैवी शक्तियां हमारे अनुकूल हो जाती हैं, ब्रह्मचारी शरत रोद सी तस्मिन् दिवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिपर्ति, जो योगी होता है ब्रह्मचारी होता है सदाचारी होता है जितेंद्रिय होता है, जिसका अपने शरीर पर अपने इंद्रियों पर अपने मन पर अपने बुद्धि पर अपने विचारों पर अपनी भावनाओं पर अपने कर्मों पर आचरण पर जिसका नियंत्रण होता है, वो जीवन में सदा सेट रहता है सदा सुखी रहता है सदा सफल होता है।
इसलिए सबसे बड़ा काम है जीवन में योगी बनना। तपस्व्युधिको योगी ज्ञानिभ्युपिमतोधिका कर्मभ्यस्यधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धसिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तौ जहाति हवि सुकृत दुष्कृति तस्मात् योगाय युच्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम् युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम गर्दन को दाएं और बाएं और इस वजह से कर दिया है। इसे गोल घुमा देते हैं, इससे भी काम हो जाता है। जिनको गर्दन में ज्यादा दर्द हो ना, उनको बस ऐसे ही घुमाना चाहिए गर्दन को ऐसे। ये तो ये देखो, उम्र बढ़ने के साथ साथ सुन लो होशियार, खबरदार, उम्र बढ़ेगी ये दुखे गए। बाबा जी साड़ी गर्दन दुखदी है, इतों इतों इतों, फिर इतों उतों से फिर इतों इतों, पूरे शरीर में कितों कितों दुखदा है। वो सारे सारे में इधर दुखदा है, इधर दुखदा है, ये सारा दर्द देता है। हम अपने आप से ज़्यादा दुखी होते हैं। चाहे लाख जमाना साथ छोड़ दे, घर परिवार संसार साथ छोड़ दे, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हें जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हारा शरीर धोखा ना दे, बोले बाबा जी पत्नी ने धोखा दे दिया, पति पत्नी धोखा दे देते, बोले पति धोखा दे देता, बोले बिजनेस में धोखा दे दिया, उसने ऐसा कर दिया। अपना शरीर अपने को धोखा ना दे, अपने घुटने, अपनी कमर, अपना दिल, अपना दिमाग, ये सारे शरीर में पीड़ाएं होने लगती है। इसलिए शरीर तुम्हारा तुम्हें धोखा नहीं देगा, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा परमात्मा तुम्हें धोखा नहीं देगा। योग करो।